Now, students, in this video, I am going to tell you how to draw vectors. ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप वेक्टर ड्रॉ करना सीखें, क्योंकि अब हमारा पहला एम CAIE के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है और दूसरा एम अपनी फिजिक्स को बेहतर करना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ की हुई है और मैं आपसे जिक्र कर रहा था, लेट्स से यू वांट टू रीच एट एनी डिजायर्ड लोकेशन, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। वो इन चारों डायरेक्शन में कहीं पे भी वो मौजूद हो सकता है। इट कैन बी इन ईस्ट, इट कैन बी इन वेस्ट, इट कैन बी इन नॉर्थ, इट कैन बी इन साउथ, और इट कैन बी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन हैं जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना होगा, अपने आप को या फोर्स लगानी होगी या स्पीड देनी होगी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन जब आप उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। बट दैट इज नॉट द ओनली डायरेक्शन, एंड दैट इज द जियोग्राफिकल डायरेक्शन। कभी कभार वेक्टर्स को इन जियोग्राफिकल डायरेक्शन से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डायरेक्शन हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा कि ओरिजिन के राइट साइड एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस होता है, टॉप वाई होता है, डाउन वाई होता है, और राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। हम ओरिजिन से, अगर ये ओरिजिन इससे अब जा रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इफ वी आर कमिंग डाउन तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इनको हमने इस्तेमाल करना होगा ज्यादातर वेक्टर्स के अंदर। और अगर वो हमसे कभी कभार ऐसे बोल देगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो इस तरीके से भी क्या कहते हैं आप वेक्टर जो है, अगर आपको ये डायरेक्शन देगा, जियोग्राफिकल डायरेक्शन देगा, तो यू कैन ड्रॉ इट। मोर कन्वेंशन ये होता है। और याद रखिएगा, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप खाली ये लिख दें नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। अगर आप लेट्स से इफ यू आर डिस्क्राइबिंग बिटवीन द टू डायरेक्शंस, दैट इज प्लस एक्स एंड प्लस वाई, आपकी दो डायरेक्शन के दरमियान में जा रहा है, उसका मतलब है आप ईस्ट से कितने एंगल पे मौजूद हैं नॉर्थ की तरफ जाते हुए, या प्लस एक्स से कितने एंगल पे मौजूद हैं प्लस वाई की तरफ जाते हुए। अभी समझ में नहीं आ रही होगी ये बातें। तो डायरेक्शन का मतलब, अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वैसे आपको पता ही नहीं है, आपको एक वेक्टर दे दिया गया और आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो वहां पे एंगल का जिक्र आया करेगा, और वो हम आगे देखेंगे कि वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट केसेस के बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। चले थोड़ी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ, आप देखें कि आकार is moving with a speed of 60 kilometer per hour towards east. अब तुमने ये वेक्टर ड्रॉ करना है कि वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आर टुवर्ड्स स्पीड। कैसे करें सर, परेशानी हो गई सर? देखो, बड़े गौर करो, क्योंकि आगे जाके कुछ एक ऐसी चीज आने वाली है जो कि पेपर में भी आएगी, पास पेपर में भी आएगी, और वो सॉल्व होगी इधर ही से, बेसिक से। तो वो कैसे होगी, देखें, वी विल ड्रॉ इट अकॉर्डिंग टू सम स्केल, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी मीटर। तो सबसे पहले हमें स्केल डेवलप करना होगा, ये 60 किलोमीटर पर आर कितने सेंटीमीटर्स के या मीटर्स के बराबर है, दैट इज द स्केल। और उसी स्केल से हम ड्रॉ करने वाले हैं ना, क्योंकि लेंथ ऑफ लाइन ही मैग्नीट्यूड बताती है। और इस वक्त तो डायरेक्शन बड़ी आसान है, इस वक्त तो डायरेक्शन बड़ी आसान है, ईस्ट पे जा रहा है तो एरोहेड लगा देंगे ईस्ट की तरफ, पता नहीं होगा। तो चले अब स्केल डेवलप करना सीखते हैं और सिंपली से स्केल डेवलप करते हैं। और स्केल फिक्स नहीं है, यू कैन टेक एनी स्केलिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ये चीज याद है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, लेट्स से आई से दैट 10 किलोमीटर पर आर को मैं बोल देता हूँ भाई 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लो, तो यानी के therefore if 10 किलोमीटर पर आर इज 1 सेंटीमीटर, तो 6
किलोमीटर पर आर 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यानी कि जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है उसकी लेंथ कितनी रखनी है? 6 सेंटीमीटर। एरो हेड क्या लगाना है? एरो हेड आएगा ईस्ट की तरफ। तो ये देखो इतना आसान हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। ये देखो ये भाई ईस्ट की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन में मैं ले गया अपने स्केल को, ठीक है जी। आपके पास तो अपना स्केल है, निकाल लीजिए। और मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि मैंने कर दिया। और मैं यहाँ पे आई कैन ड्रॉ इट नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, पर आपने याद रखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ जो है आपके पास दैट इज वी एंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट करता है 6 सेंटीमीटर को। तो यानी इस वेक्टर की लेंथ आपने 6 सेंटीमीटर रखनी है, ये याद रहे। तो इस तरीके से आप जो है वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट विद लाइन सेगमेंट, जस्ट बाय मेकिंग अप अ स्केल। सर यही स्केल क्यों बना रहे हैं? सर ये ले लें, 10 किलोमीटर पर आर को आप 2 सेंटीमीटर के बराबर ले लें तो भाई डबल हो जाएगा। अगर 10 किलोमीटर आर 2 सेंटीमीटर है तो 60 किलोमीटर आर 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आपके पास अगर बड़ा स्केल है, 12 सेंटीमीटर का बड़ी स्पेस है, आप ले लीजिए। आपको बड़ा डायग्राम बनाना है आप ले लीजिए, नॉट एन इश्यू। तो स्केल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। लेट से दैट फोर्स ऑफ फाइव किलो न्यूटन एक्टिंग प्लस एक्स डायरेक्शन किसी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये एक्ट कर रही है। तो किसी भी नहीं, पॉजिटिव एक्स। अब ये करेक्शन चलिएगा, 5 किलो न्यूटन स्केल बनाते हैं भाई। मैं बोलता हूँ 1 किलो न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, यानी 5 किलो न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ होना है। अब लाइन कितनी ड्रॉ होनी है? 5 सेंटीमीटर की, और होनी का है पॉजिटिव एक्स। चलिए कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और वो होना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। और वो रिप्रेजेंट कर देगा, एरो हेड क्या लगाओगे? पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो ये भाई फोर्स है, और ये फोर्स है 5 किलो न्यूटन की, और इसकी लेंथ तुमने जो रखी है वो 5 सेंटीमीटर रखी है। तो इस तरीके से यू ड्रॉ वेक्टर्स ऑन पीस ऑफ पेपर। अब आप बोलें कि सर ये तो बड़े आसान आसान है, थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। चले मैं एक काम करता हूँ, इसी की डायरेक्शन को चेंज करता हूँ। कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आर, बट नाउ नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट, और व्हाट डू यू से, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ में जा रही है। आपने ड्रॉ करना है तो ईस्ट ऑफ साउथ में। तो स्केल अगर वही रखता हूं मैं, तो 6 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और वो ईस्ट ऑफ साउथ में होगी। तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, इन बिटवीन द ईस्ट एंड साउथ। और ये एरो हेड कहाँ लगेगा? ईस्ट ऑफ साउथ में, जिस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया उसे ही लगेगा। और ये होगी भाई बराबर, ये वी है, और ये है 60 किलोमीटर पर आर, और इसकी लेंथ वही है 6 सेंटीमीटर। अब मैनी स्टूडेंट थिंक्स के भाई यही डायरेक्शन थी। मैथमेटिकली अगर आपसे मैं बोलूं ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये ईस्ट ऑफ साउथ, लेकिन ईस्ट से कितने एंगल पे साउथ पे है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो ये आप थीटा जो निकालेंगे ना, एंगल निकालेंगे कि ईस्ट से कितने एंगल पे साउथ की तरफ गया है। आप इस तरह से वेक्टर की, आप वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, लेकिन उसकी स्पीड
स्पेसिफिक डायरेक्शन कितने डिग्री पे चलना है उसमें, जब वो इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेगा वो एंगल होता है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर कभी आपसे सवाल में पूछा जाए फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो लिखना नॉर्थ और ईस्ट ना भैया, ये आपको सिर्फ ड्रॉ करना सिखाया है अभी, अभी और चीजें नहीं सिखाई। तो बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है पीस ऑफ पेपर में तो हाउ टू ड्रॉ, सही है। यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन निकालना नहीं सीखी है, हमने उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन था, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सीखा है। हर चीज हमें दी हुई थी, हमने उसको ड्रॉ करना सीखा। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में सिखानी थी, तो ये सीख गए होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।